लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद पूरी तरीके से बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में है और आप देख रहे हैं कि 400 वाला का नारा मामला प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की। पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी। मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं, ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे। और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में। देखिए अब हर कोई, देश का हर एक युवा बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी है तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी बोल, पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग गलतफहमी में हैं कि हम जीत रहे हैं। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि करोड़ों रुपए लगाकर इन लोगों को जो स्क्रिप्ट लेकर दिया जाता है वही स्क्रिप्ट ये लोग पढ़ लेते हैं। एक देश के शहजादे हैं और एक बिहार के शहजादे हैं। उन्होंने कहा कि देश को सेवक चाहिए, इन लोगों जैसे जमींदार नहीं। जिसके गोद में पलते बढ़ते हैं वही भाषा सीखते हैं ना, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2019 में क्या कह रहे थे कि सभी सीट हम जीत रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, जीरो पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी और देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए हैं और वो जो स्क्रिप्ट लिख के देगा, जो वो मुगालते में इनको रखेगा वही भाषा बोलेंगे। जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। अरे कितनों भरमाने का प्रयास कर लें, लोगों को वरगलाने का प्रयास कर लें, आपके बर बोलेपन की बातें देख चुका है। खेलने चले थे, खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में, तो आपकी बात पर लोगों को विश्वास नहीं है। और सच्चाई है कि बिहार की जनता आप जैसे लोगों से मुक्ति चाहता है, नौटंकीबाज राजनेताओं से बिहार को मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी जमींदारी का मानसिकता बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में सेवक चाहिए, जमींदार नहीं चाहिए। बिहार में जनता के बीच रहने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला लोग चाहिए, वो लक्षण और वो गुण इन लोग। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।